विश्वनाथ मंदिर है जो बीसीयू के अंदर, उसके सामने इतनी शक्ति दे कि वो अपने घर से निकल के अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 90% से ज्यादा मतदान करे। और ये बच्चे जो है लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है पूरे बनारस की संस्कृति को आप क्यों जागरूक हो उसका भी प्रयास जो है आखिरी में आप लोग क्या कर बताते हैं, हम अपने जागरूक करना चाहते हैं या तो अपना कानून मतदान करें, इससे हमारा लोकतांत्र देश है और मजबूती मिलेगी। हमारा आज का लापरवाही 5 साल तक होने के लिए पहले मतदान फिर चलता पहले मतदान बताओ कंप्लीट हो गया? हाँ सर कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या इससे अवेयर कराना चाहते हो? हम लोग जो है वो ना सिर्फ अपने देश वालों को इस साइड आ जाओ, हम लोग जो है सर ना सिर्फ अपने देश वालों को पूरी दुनिया वालों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में आप लोग वोटिंग करिए, चाहे वो विकलांग हो चाहे कोई भी हो, क्या कहते हैं, अगर आप संभव है तो जरूर वोटिंग करिए। आलसी जैसे क्या कहते हैं घर में सोए ना रहिए, और वोटिंग करना हमारे हम अपने धर्म मेरा हम लोग का धर्म है वोटिंग करना, और वोटिंग करके हम लोग एक जैसे कहते हैं अगर देखा जाए तो पुण्य का काम कर रहे हैं। सही बात, मतलब पुण्य के काम के रूप में इसे माना जाए, हमको माना जाए जाना चाहिए, क्योंकि भारत विविध जातियों का देश है और क्या नाम है विविध धर्मों, यहाँ पे सारे लोग हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं, तो ऐसे हम लोगों को समानता सभी का एक अधिकार है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बोला कि किन्नरों को भी वोट देने के लिए ट्रांसजेंडर जो है उनको भी वोट देने के लिए अगर क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो भी वोट दे सके और समाज में आके हम लोगों के साथ, और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं पूरे देश न कि पूरे अपने देश को पूरी दुनिया को संदेश यही देना चाहते हैं लोकतंत्र के लिए आप ज्यादा वोट करिए और अच्छे नेता को चुनिए, सबका साथ सबका विकास। बताओ यहाँ किस लिए आए हो सब? हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग करने के लिए आए हैं जिससे लोग जागरूक हो और घर से निकलकर अपना मतदान करें। ओके क्या नाम है आपका? शोभा गुप्ता। शोभा गुप्ता किस क्लास में हो? 9th B। CHS गर्ल्स नो? हाँ मैं केवी बेचू। अच्छा केंद्रीय विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय। ओके यानी यहाँ केंद्रीय विद्यालय और CHS बॉयज और गर्ल्स सारे बच्चे मिलकर इन तीन स्कूलों के ना तीन स्कूल मिलकर ये पेंटिंग कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो और अपना मत जरूर दें। चलो थैंक यू। आप देख सकते हैं इन सभी का मेहनत और ये स्ट्रीट आर्ट का ये है।